हेलो गाइस, केकेएस 9 लर्नर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा रेडमी 10A स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। तो ये स्मार्टफोन अभी आने वाला है इंडिया में, कहा है कि इसका जो स्पेसिफिकेशन अमेजोन पे इसका रिलेटेड स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख से। फिलहाल मैं इस वीडियो में यह स्मार्टफोन के बारे में कुछ या कह के थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा कि यह जो स्मार्टफोन है किस तरह का आने वाला है या कैसा आएगा, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन देखने को मिलेगा, उसे प्लीज क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना। और वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी 10A का जो स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें दो कैमरा लगेगा, एक वैसे ही बस कैमरा वाला फोन होगा लेकिन बंद होगा, एक फ्लैश होगा बैक साइड में, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट बैक साइड में देखने को मिलता है। तो जैसे कि ये जो स्मार्टफोन है रेडमी 9A है, लेकिन ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे रेडमी 10A है, लेकिन इसमें आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलता इस वाले मोबाइल में रेडमी 9A की, लेकिन जो डिजाइन है लगभग सेम है। और जैसे कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको कैमरा का जो पूरा सेट है बैक साइड में हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है मेरे ख्याल से, और दिख भी रहा है बड़ा। और जैसे कि इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट दिया है, सही है, आजकल ज्यादातर फिंगरप्रिंट का क्या है कि जमाना है तो ठीक है, फिंगर हम लगाते हैं मोबाइल फोन खुल जाता है, ठीक है मेरे ख्याल से, और लगभग ठीक होता है ये। और जैसे कि हमें स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन बताया तो बहुत सारी चीजें गए हैं, खुलकर नहीं बताया गया है लेकिन बताया गया है। तो जैसे कि जो मेन चीजें है या कहें कि जो जो बताई गई है बातें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इस मोबाइल फोन में आपको इसमें आपको मीडियाटेक हेलियो का 25 का प्रोसेसर देखने को मिलता है इस रेडमी 9A के स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है इस जो ये रेडमी 10A का स्मार्टफोन है इसमें आपको जो ह्यूज यानी कि थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेसर मिलेगा इसके मुकाबले, रेडमी 9A के मुकाबले आपको ज्यादा प्रोसेसर इस मोबाइल में देखने को मिलेगा जो कि आने वाला है 20 तारीख को रेडमी 10A के स्मार्टफोन में। और साथ ही साथ जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे दिखा दे रहा हूँ तो इसमें लगभग आपको अच्छे खासे यहाँ पर रैम देखने को मिलेंगे इस मोबाइल फोन में, आपको अपने इंटरनल मोबाइल को भी रैम की तरह यूज कर सकते हैं, तो वो भी लगभग हमें बताई गई है यहाँ पर दिखा सकते हैं, आप मल्टीमीडिया टास्किंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड में। और जैसे कि डिस्प्ले भी लगभग काफी थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जो बताया गया है डिस्प्ले बड़ा है तो मतलब कि थोड़ा सा बड़ा भी बनाएगा, क्योंकि थोड़ा जो रेडमी 9A है उसके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा देगा ही देगा सेंटीमीटर में। और जैसे कि नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना जो बैटरी है इसमें आपको रेडमी 9A के मोबाइल फोन में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो शायद इसमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा या लगभग उतना ही देखने को मिलेगा। और कैमरा के मामले में लगभग थोड़ा ठीक ठाक जैसे कि ठीक है कैमरा के मामले में, तो इसमें आपको ज्यादा मेगापिक्सल शायद देखने को मिले, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और शायद मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा बैक साइड का कैमरा, और फ्रंट का भी कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। तो लगभग जो डिजाइन है इसका जो डिजाइन लाइन वाला है तो लगभग ठीक है डिजाइन मेरे ख्याल से, और स्मार्टफोन लगभग ठीक है क्योंकि रेडमी का जो स्मार्टफोन होता है काफी सस्ते में आता है, और साथ ही साथ जैसे कि इसके अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस भी होते हैं कुछ ही मोबाइल, लेकिन कुछ ऐसे नहीं होते। और साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं में बताया गया है, और डिजाइन के बारे में भी बताया कि गया है कि जो डिजाइन है लगभग ग्रिपेबल है, मतलब कि अगर हम पकड़ेंगे वैसे ही बिना किसी बैक कवर के मोबाइल के तो लगभग ग्रिप बना रहेगा, पकड़ जैसे फिसलेगा नहीं मोबाइल से, जैसे ये देख सकते हैं ऐसे कई कई मोबाइल इतने साइन करते हैं मतलब कि इतना फिसलता है मोबाइल, कई तो ऐसे होते हैं कि आप उसमें ग्रिप अपना ठीक से नहीं बना सकते, मतलब कि मेरे ख्याल से ठीक से आप उसे पकड़ नहीं सकते तो जैसे गिर जाता है, तो इसमें लगभग ग्रिप आप बना सकते हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से रेडमी का ये जो स्मार्टफोन है काफी सही होगा या जो आएगा 20 तारीख को लॉन्च होगा, तो लगभग प्राइस अच्छे खासे होंगे क्योंकि रेडमी के जो भी मोबाइल होते हैं ज्यादातर हमारे ही रेंज में होते हैं, हम उसे खरीद सकते हैं, लगभग कोई भी खरीद सकता है मेरे ख्याल से। और जैसे कि स्मार्टफोन लगभग ठीक है डिजाइन में, ठीक है फिंगरप्रिंट दे रहा है, ठीक है, और ह्यूज बैटरी भी बता रखा है, और इसमें डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा होगा,
तो लगभग ठीक आएगा मेरे ख्याल से। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। और जैसे कि मैं जिस तारीख को, अगर 20 तारीख को लॉन्च हो जा रहा है, 12 बजे के उसके बाद इसका इवेंट लॉन्च होता है, तो जब मैं इवेंट देख लूंगा तो आपको उसके बारे में जरूर बता दूंगा, इस स्मार्टफोन के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन और बता भी दूंगा, तो ये कैसा स्मार्टफोन है, कैसा नहीं है, इसके बारे में बता दूंगा। तो जैसे कि वीडियो लाइक करना और शेयर करना, और बिनो कमेंट के बारे में छोटा सा कमेंट कर देना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज।